गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक्निकल गदराना में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने अभी तक अपना परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है, जहाँ पर बनवाने की सोच रहे हैं, जहाँ पर बनवाने जा रहे हैं, तो दोस्तों जो पॉइंट्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको आने वाले टाइम में परिवार पहचान पत्र को लेकर कोई भी परेशानी नहीं होगी। और अगर दोस्तों आपने अपना परिवार पहचान पत्र बना रखा है, तो जो बातें मैं आपको परिवार पहचान पत्र के बारे में बताने वाला हूँ, अगर उनको अभी तक आपने जो फैमिली आईडी में अपडेट नहीं करवाया है, तो जल्दी से जल्दी दोस्तों करवा लें, क्योंकि गवर्नमेंट की ओर से इसकी जो 20 अगस्त लास्ट डेट रखी गई है। तो दोस्तों, जो बातें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो को जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इनका कहना है कि फैमिली आईडी को लेकर महत्वपूर्ण सूचना, आप सभी को सूचित किया जाता है कि 20 अगस्त 2022 से पहले जिनकी फैमिली आईडी में कोई दिक्कत या कमी है, तो जल्दी से जल्दी ठीक करवा लें। अगर आपके पास कोई कॉल आती है, तो फैमिली आईडी के बारे में उनको सही जानकारी दें। अगर आप अपनी फैमिली आईडी ठीक नहीं करवाएंगे, तो आपको आने वाले टाइम में जो भी सरकारी सुविधा होगी, वो सुविधा से वंचित रह जाओगे और उसका लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, अभी जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे, उन पर बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक मोबाइल नंबर केवल एक ही फैमिली आईडी में होना चाहिए, दूसरी फैमिली आईडी में वह मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए। तो दूसरी मोबाइल जो कि फैमिली आईडी होगी, उसमें अलग मोबाइल नंबर आपको लिखवा लेना चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें, उम्र का सबूत अपलोड करें तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ को अपने डॉक्यूमेंट प्रूफ के अनुसार ही भरें, ना कि आधार कार्ड के अनुसार। 3 नंबर पॉइंट, अपना अपने माता पिता का नाम, अपने पति पत्नी का नाम आपके उचित दस्तावेज के अनुसार ही लिखवाएं, किसी भी प्रकार की गलत जानकारी ना दें। और 4 नंबर जो पॉइंट है दोस्तों, 4 नंबर पॉइंट, अपना मोबाइल नंबर अपनी फैमिली आईडी में वहीं दें जो 24 घंटे चालू रहता हो और पर्सनल नंबर हो। 5 नंबर पॉइंट, अपने पते के आसपास की किसी भी खास जगह, घर या पंचायत भवन आदि को लैंडमार्क के तौर पर जरूर लिखवाएं। पॉइंट नंबर 6, अपनी आमदनी चेक करवा लें, अगर गलत चढ़ गई है तो ठीक करवा लें, और अगर कहीं कम या ज़्यादा वेरीफाई होगी तो उसको उसके लिए ग्रीवस रिक्वेस्ट लगवा दें। पॉइंट नंबर 7, अपनी जाति सही से चेक करें, अगर कहीं गलत वेरीफाई हो गई है तो ठीक करवा लें, अगर वेरीफाई नहीं हुई है तो रिक्वेस्ट लगवा दें, तो वह आपसे जानकारी लेने के बाद अपने आप वेरीफाई हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8, अगर कोई दिव्यांग है और उसने अपनी फैमिली आईडी जो कि फैमिली आईडी में डिटेल्स नहीं दी है, तो दे दें। ध्यान रहे, जो सर्टिफिकेट 1 सितंबर लिख रखा है इन्होंने, हमें लगता है कि 1 अगस्त लिखना था। तो जहाँ पर इन्होंने का कहना है कि जो सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2022 से पहले का है और हाथ से लिखा हुआ है और जिसके ऊपर कोई भी बार कोड नहीं है, वह सब रद्द हो जाएंगे। सो आप अपने नए कार्ड बनवा लें और वहीं जो अपलोड करें। पॉइंट नंबर 9, किसी भी जन की सिंगल आईडी मान्य नहीं है, चाहे वो बच्चा हो या पर कोई बड़ा। और अगर दोस्तों आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर बढ़िया लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, और साथ में दोस्तों आप अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।